कृपाल गुरु जी सातो दुख ना सारे जाने दुनिया ने विचरे के मन जे मारे जाने। हाँ थोड़े अगे भाई गुरदास की बाणी रखी जाती है। मैं बंगलौर भी तीन चार सत्संग इस वार दे उत्ते करे सन वक्ताउण ते एक किताब की शक्ल विच प्रेमियां दे हथ विच आएगी, क्योंकि भाई गुरदास गुरु अमरदेव जी दे भरा दा लड़का सी, जिसनों के बचपने तो ही संत मत दे विच सेवा करन दा मौका मिलिया और कई गुरु परिवर्तन जद किते होया आपनू मौका मिलिया। आप अमली तौर दे उत्ते गुरसिख बने, परम गति नूं प्राप्त कीती और आपदा जीवन गुरु भगती नाल बेमिसाल भरिया सीगा। गुरु ते टुट विश्वास सी और पखंड दे सदा ही आप विरोध करते सन, दसनाहां दी किरत दे उपर आप विश्वास करते सन। संतां महात्मा दा मकसद सानू अंध विश्वास नहीं देना हुंदा गा, वो सच्चाई शब्द दे नाल जुड़े उन्हां दा लम्मियां यात्रा करन दा यही भाव हुंदा है। रोज रोज अभ्यास कराउण दा यही मकसद हुंदा है कि कम से कम ये मेरे बैठे बैठे ही भरपूर हो जाए, पूरे हो जाए, क्योंकि आम तौर दे उत्ते क्योंकि दे जो वाडी है ना तो ये गुरु दी रहे ना सिख दी रहे। जिस चीज़ के नाल सेवक गुरु ने जोड़िया हुंदा है वो शब्द है, नाम है, प्रभु है जिन्हें सदा ही रहना है। लेकिन वो वक्त असी जिहड़ा हुंदा लापरवाही च कढ जांदे हैं, जब कोई परिवर्तन हुंदा है आम तौर दे उत्ते असी पार्टियां विच बट जांदे हैं, कई दफा अपनी आत्मा ते भी रहम नहीं करदे गे, पार्टियां दे विच असी पै जांदे हैं, सच्चाई नूं अखों ओले कर दिंदे हैं, क्योंकि आप दे उपर इस वार लिखण दा असर उस वक्त होया सी जद, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ज़्यादा साध संगत दे विच रह के सेवा नहीं कर सके सन। उन्होंने गुरुदेव ने उन्होंने लाहौर भेज दिता सी और ये सख्त उन्होंने कर दिता सी कि जब तक मैं आपनू ना बुलावा आपने मेरे पास नहीं आना गा। और जिहड़ा बड़ा लड़का सी पृथिया पृथ्वी चंद वो सदा संगत की देखभाल करता सी और आम संगत उसे नूं जानती सी, लेकिन वो इस अहंकार सी कि मेरी ज्यादा सेवा करन करके ही लोग गुरु नूं जानते हैं, नहीं तो गुरु नूं भी कुछ नहीं जानना, क्योंकि अहंकार अन्ना हुंदा है उन्हूं कुछ नहीं दीदा हुंदा गा। जिस उत्ते सवार हो जाता है तुहानूं पता ही है अहंकार उहदे नाल की करदा है। और जदों गुरु अर्जन देव ने उन्होंने समझा के भेजिया कि झगड़ा अच्छा नहीं हुंदा गा, तुसीं उसनूं समझा दिओ, भाई गुरदास ने आके हर तरीके नाल उसनूं समझाया, दस्या कि वड्डे सतगुरां दा ये लेख है गुरमुख कोट उधार दा दे नाम है एक कणी, ते गुरमुख अपने कमाए हुए नाम दे विच्चों एक कणी बख्श के करोड़ां दा उधार कर दिंदा है। लेकिन एक कणी उसनूं विरासत दे विच गुरु तो मिली हुंदी है, प्रभु दी तरफों मिली हुंदी है, जिहदे पास आपदे कणी नहीं वह नाम दी वह किसे दा की उधार कर सकेगा। प्यारिया ये तां उन्हां दी कम करदा है जिहड़े अंदर जुड़े है शब्द रूप हो चुके है, क्योंकि जुड़िया ही जोड़ सकता है। उन्हें यह भी कहा कि गुरु नानक का यह भी लिखे वड्डे सतगुरां दा, साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खावे,
ਸਹਿਬ ਕਰ ਵੱਥ ਹੋਵੇ ਨਫਰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਅਣਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾਏ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦਾ ਕਿਸੋ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰਖਾ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਲੜਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀਰਖਾਲੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਊਂਗਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤਵੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਤਬਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀਰਖਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਚਿਆਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੜਪੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਸਭ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੋਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਾਰ 36ਵੀਂ ਪੰਨਾ 268 ਨੰਬਰ 12 ਸਤਿਗੁਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਜੇ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ ਤੋਤਾ ਕਿਉਂ ਫਾਸੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਬ ਦੌੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ।
भाई गुरदास कहते हैं अगर गला ना वो शौक तीता तोता बड़ा गलों का धनी हुंदा है वो पिंजरे विच क्यों पैंदा वो तो बड़ा सियाना सीगा गली जे शो पाईए तोता क्यों फासे मिले ना बहुत से आन पे प्यार ना कहते हैं आ जानवर काफी सियाना और चुस्त मनिया गया है लेकिन बहुत गंदे उत्ते है अगर जे सियाणपना भी मिलता हो प्रभु तो वह कां गंद नूं क्यों खावे मिले ना बहुत सियाण पे गुरदास जी कहते हैं जोरावरी भी असि उस प्रभु नूं पा नहीं सकते गे मत ये ख्याल हो गए कि असी जोर ना पालांगे या लोकां दी मदद ना पालांगे कहण लगे सहा एक छोटा जा खरगोश जानवर हुंदा है और चेर बड़ा ही ताकत वाला हुंदा है एक दिन ऐसा होया कि शेर जंगल दे जानवरां नूं खा रहा सीगा उन्होंने इकट्ठे होके आके कहा भी देख तेरी उधर पूर्णा वास्ते एक जीव साडे विच रोज आ जा करेगा तू इस तरह सारा नूं मार मार के ना सिट उन्हें वारी बन ली इस तरह चलता रहा शिरशिला एक दिन उस छोटे खरगोश की वारी आई उन्हें को जान विच देर हो गई अगे जो शेर सी वो बड़ा ही भुखना व्याकुल हो रहा सी और बोलिया कहन लगे ओ गीदी तू इतना देर क्यों आया है मैं भुखा मर रहा है वो कह लगा जी मैं थानू की दसा थोड़े राज विच एक थोड़े वर्गा बड़ा शक्तिशाली एक शेर होर है उसने मैनू पकड़ लिया सीगा मैं उसनु मसा बहाने ला के छुटिया है मैनू पता है वो हुण तेरे राज विच बड़ा उपद्र मचाएगा अगर तेथों उपाव हुंदा कर लै ओ शेर आपदे हकार विच मस सी वो कह लगा वो कित्थे है मैनू दिखाएगा कहन लगा मैं तेन दिखा दिना है वो बहुत सारे बड़े एक खूह दे विच है वो पानी खूह दा बिल्कुल शांत खड़ा सीगा सहा जाके उन्हूं कहिंदा देखो जी इत्थे खड़ के देखो तुहानू शेर अंदर दिसेगा जैसा तुसी बोलोगे तुहाडे नूं वध बोलेगा और शेर जद उत्ते खड़ के देखण लग्या उसनूं आपदी शक्ल दिसी वो बड़ा घबराया गुस्से च आया कि तू अंदर क्यों बड़ा है जैसा वो बोलिया खूह की आवाज ज्यादा होंगी है उसने दुगनी कर जाई शेर ने गुस्से विच आके आपदे बाहूबल दे जोर नाल विच छाल मारी सिसकियां लै लै के मर गया हुण तुसीं सोच सकते हो कि जे जोर ना बस विच कोई छै हुंदी होवे सहा शेर नूं किवें मार सकदा सीगा पुतलियां तो अज बड़े प्यार नाल दस्सिया कि उहनूं गल्लां नाल नहीं पा सकते तोते की मिसाल दे के दस्सिया ना सियाणपना पा सकते हैं आपने कां की मिसाल दिती हुण शेर की मिसाल दिती है गुरु नानक देव जी भी महाराज कहिंदे है गली किसे ना पाया कहिंदे गल्लां ना नहीं कोई पा सकता फिर आप कहिंदे है सोचिया सोचना हो भी जे सोचा लखवार इत्थे आप जब जी साहब च पढ़ते हो जोर ना जुगती छुट्टा संसार जोरावरी ना जे पई सिंह सहाविणा से गीत कवित ना पिजई पट पेख उदास आप प्यार ना कहते हैं ना ये ज्यादा किताबा लिखन ना मिलता है कवित बोलन ना मिलता है आप कह लगे जो पट लोग किताबा दे लेखक मन्ने गए है जिन्होंने पंडित करके भी कहते हैं वो क्यों बेचारे उदास फिर थां थां धन की खातर तुरे फिरते हैं
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਿਰ ਕਿਤਨਾ ਦਾ ਜੀਵ ਆ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੇ ਨਾਉ ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੀ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਨਾ ਪੇਜਈ ਪਟ ਪੇਖ ਉਦਾਸ ਜੋ ਬਨ ਰੂਪ ਨਾ ਮੋਹੀਏ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਦੁਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਨ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਈਏ ਰੰਗ ਕੁਸੰਬ ਦੁਰਾਸ ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਤੀਜਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 13 ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਿਸਫਲ ਹਨ ਸਿਰ ਤਲਵਾਏ ਪਾਈਏ ਚਮਗੇ ਦੜ ਜੂਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪੀਆਂ ਜੂਤੀਆਂ ਹਠ ਯੋਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੈ ਤਕੜਾ ਚਿਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਈ ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਮ ਗਿੱਦੜ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਲਵਾਏ ਪਾਈਏ ਸਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਡਾਂ ਚੂਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਡਾਂ ਚੂਹੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਆਰ ਜਾਸੀਅਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੇ ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਰਜਾ ਹੈ
लेकिन वो जिन्नी आरजा बड़ी हुंदी है उतना ही ज्यादा व्यो दे नाल दुखी हुंदा है, उन्हों व्यो साड़दी है, ज्यादा तपश दिंदी है। मिले न वड़ी आरजा बिसियर व्यो लूहे, कोए को चेल वारती है हर सूर पशु है। आवे के हिंदुस्तान दे अंदर पंथ चलिया जिन्हों गोरी लोग कहते हैं, वो लोग सफाई नहीं रखते शरीर की, जिते खाते है उत्थे टट्टी वगैरह कर देंगे है, और कोई भी उन्हां नाल कुत्ते आके खा लैन गधे सूर खा लैन, वो कोई अंतर नहीं समझते गए। और भाई गुरदास जी इसका भी कोई अहमियत नहीं समझते, ये कह लगे सूर सदा गंद च ही लिटदा है और गधा अपने उपर शार ही पाता है, अगर इस तरह के रहना जीवन बिता प्रभु मिलता हो सूर नू मिल जाना चाहिए है, गधियां नू मिल जाना चाहिए है। ओए को चेल वरती है हर सूर पशु कंध मूल चित लाइए अड़वण तू है। बहुत सारे महात्मा देखे जाते हैं वो खाना नहीं खाते गे, कंध मूल ते ही गुजर करते हैं, कहते हम तो खाना खाते नहीं छोड़ दिता है, लोग उन्होंने भी पूजा बड़ी करते हैं। तो भाई गुरदास कहते हैं कि प्यारे अगर कंध मूल खाने नाल ही प्रभु मिलता हो तो जेडे भेड़ा बकरियां हैं ये सदा ही बाहर बनस्पति नू खांदियां हैं, कंध मूल ही खाते हैं। कंध मूल चित लाइए अड़वण तुए विण गुर मुक्त न होवई ज्यो कर विण बूहे। भाई गुरदास का मतलब है कि आम तौर पर सत्संगी लोग यह जे कर्मकांड विच भज जाने हैं, उन्हों का मकसद यह है कि असी यह चीज़ों अहमियत ना देिए, नाम गुरु में अहमियत देिए। तो भाई गुरदास जी आखिर कहते हैं कि बगैर गुरु तो नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, बगैर गुरु नाम तो अगर कोई मुक्ति पालता है कोई इस तरह है जिमें कोई अच्छा घर बना लेंदा है और उदे विच कोई गुहा नहीं रखता गा, तुसी सोच के देख सकते हो उदे अंदर किस तरह दाखिल होएगा। नंबर 14 पेखा तपा नाल हठा नाल मुक्ति नहीं। मिले न तीर्थ नातिया डड़ा जल वासी। भाई गुरदास जी कहते हैं ना किसे तपना, ना कोई पेख बनाना और ना किसी पानी विच नौना मुक्ति नहीं मिलती गी, मुक्ति है तो शब्द नाम की कमाई विच है। क्योंकि मेरी आप ही हट बीती बात है, मैं कई दफा संगत दसदा है हुना है कि किस तरह मैं तप भी किया, धूनिया वगैरह तपाइया सी, जलधारा भी किया, डिटेल मैं कई बार सत्संग दसदा हुना है। सो भाई गुरदास कहते हैं अगर तीर्थ नहाउण नाल असी तो साल तो या महीने तक डुबकी मारते हैं, कह लगे डड्डू कछू मछियां सदा ही पानी विच रहिंदियां हन, अगर नहाना मुक्ति हुंदी तो उत्थे रोज रहिंदियां पींदियां पानी तो मुक्त हो जाना चाहिए सी। अज भी हिंदुस्तान दे विच बहुत लोगों का एतकाद है कि गंगा च नहाना मुक्ति हो जाती है, लेकिन पिछे कबीर साहब के जमाने च तो बहुत लोग विश्वास ही उत्थे गंगा दे उत्ते रखदे सीगे। कबीर साहब ने प्यार नाल लोकां नूं समझाया गंगा तीर जे कर करो पीओ निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इउं कथ रहे कबीर।
कबीर साहब कहिंदे आ तीर्थ नात्या जेगत होवे नित नित मेंढक नावै जैसे मेंढक तैसे ओ नर फिर जो नहीं आवै। मिले न तीर्थ नातिया डडन जल वासी वाल वधाये पाइये पलासी। बहुत सारे फिरके आपन वेखन अज भी किते किते टावा मिलता है। वो लोग लंबिया लंबिया जटा बना लेंदे है। असी आम तौर ते उन्हां नूं मत्थे टेकदे हैं कि इन्हां नूं भगवान जरूर मिलिया होएगा, लेकिन भाई गुरदास इस भगती नूं भी कोई अहमियत नहीं दिंदे। ये कहिंदे है अगर जटा वधाउण ना प्रभु मिलता होवे, माल वधाउण ना प्रभु मिलता होवे, तो आप कहिंदे बड़ दियां बहुत बड़ियां बड़ियां जटा थले नूं लंकियां हुंदियां है, उहनूं मुक्ति मिल जानी चाहीदी है। वीर साहिब कहिंदे आ चाहे लम्मे केस कर चाहे घूट मनाए, जो कुछ किया सो मन किया मुंडे मुंड हो जाए। वाल वधाइए पाइए वड़ जटा पलासी नंगे जे मिले वन मिर्ग उदासी। आप उन्हां दा भी जिक्र करते हैं, ऐसा भी फिरका हिंदुस्तान च मिल जाता है जेड़े पैरां च जोड़ा नहीं पहनते गए, कहन लगे 12 साल सानू हो गए, 12 असी होर लाने हैं, गुरु ने सिख्या दिती है नंगे पैरी फिरना है, लेकिन भाई गुरदास इस नूं भी संत मत दे लिहाज ना कोई अहमियत नहीं दिंदे। आप कहिंदे है कि जंगल दे विच मिर्ग नंगे ही फिरदे है, उन्हां नूं कौन बूट बना के दिंदा है, वह मुक्त हो जाने चाहिए सीगे। नंगे रहिया जे मिले वन मिर्ग उदासी पस मलाए जे पाइए हर खेह निवासी जे पाए चुप कीतिया पशुआं जड़ हासी विण गुर मुक्त ना हो वई गुर मिले खलासी। भाई गुरदास जी कहिंदे है कई मोनी भी सन महात्मा मिल जाते हैं, मैं कई मोनिया को खुद गया है, वो बोलते नहीं, अगर किसी चीज नू लेना है तो लिख के ले लेंदे है। भाई गुरदास जी कहिंदे है अगर चुप रहने ना परमात्मा मिलता होवे तो पशु केड़े बेचारे अच्छे राग गाउंदे है कीर्तन करते हैं, वो मुक्त हो जाने चाहिए सी। भाई गुरदास जी अपना तजर्बा दसदे है जिंदगी का प्रैक्टिकल जो उन्होंने कराया सी, वो कहिंदे बिन गुर भगत ना होवी गुर मिले खलासी। भाई गुरदास का इन्हां वारां विच सानू समझाउण दा इतना ही भाव है कि आम तौर दे उत्ते साडा मन जे महात्मा एक छक्कड़ दा असीं 20-25 होर पा के बैठ जांदे हैं, आम तौर ते असीं इन्हां साधनां नूं अहमियत दिंदे हैं जिहड़े कि भाई गुरदास ने यह कहा कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, किसी साधन ना असीं मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक पूरे गुरु तो शब्द नाम की कमाई असीं प्राप्त नहीं करते, नाम नहीं प्राप्त करते। तो साडा ही फर्ज बनता है आम तौर दे उत्ते असी लोग इह जिहियां चीज़ां दे भरम विच पै रहिंदे हैं, जैसा कि भाई गुरदास ने डिटेल वार सानूं समझाया है। साडा ही फर्ज बनता है, साढ़े उपर भी जिम्मेवारी आउंदी है शब्द नाम की कमाई करिए और इस जीवन नूं सफल बनाइए, इससे पूरा फायदा उठाइए। जिस तरह सानूं प्रभु ने खुश होकर इंसानी जामा दिता है असी भी इहदी कदर करिए। हाँ भाई, अखां बंद करके अपना अभ्यास शुरू करो।